सरफराज, पीएसएल जब शुरू हुआ था तो कहा जाता था कि जवानों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये टीम में जगह बनाने के लिए, लेकिन अब ये पीएसएल जो है ऐसे खिलाड़ियों के लिए भी बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो जा रहा है जो जिनको कमबैक करना है। लेकिन आप समझते हैं कि आपका कमबैक, जो लास्ट टाइम भी आपने पीएसएल की बदौलत कमबैक किया, अब हारिस भी हैं, आजम भी हैं, फिर रिजवान की जिस तरह परफॉर्मेंस है, तो आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा कि आप नौजवानों को बीट करें और एक रिजवान जैसे एक बासलाइट उसको भी आप बीट करके जगह बनाने में कामयाब हो। थैंक यू भाई। देखें बिल्कुल, मैंने हमेशा पहले भी कहा है कि डोमेस्टिक का कोई भी इवेंट, चाहे वो पीएसएल हो, चाहे वो डोमेस्टिक का टी20 टूर्नामेंट हो या फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट हो, कोई भी वो प्लेयर जिसको पाकिस्तान टीम में कमबैक करना है या पाकिस्तान टीम में आना है, तो हर वो डोमेस्टिक का वो टूर्नामेंट जो है ना, हर उस प्लेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिसको पाकिस्तान टीम में जगह बनानी होती है। तो बिल्कुल मेरे लिए भी जैसे उन सब प्लेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं भी यही कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दूँ अपने लिए और अपनी टीम के लिए। सरफराज, अब आपके साथ हैं शाहिद आफरीदी हैं, उमर अकमल की भी वापसी हो गई है, इफ्तिखार भी आपके पास आ चुके हैं, बैटिंग लाइन भी और बॉलिंग में भी आपका डिपार्टमेंट में काफी मजबूत हो गया है, लैग कहाँ करते? कि हमने देखा लास्ट सीजन में भी कि फास्ट पेसर्स जो हैं वो आपकी जो शिकस्तें टीम की होती थी उसमें उनके इजाफे रन ज्यादा होते थे, इसको रोकने की कोई प्लानिंग की है आपने? देखिए बिल्कुल, जहां तक रही बात हमारी बॉलिंग की, तो ऑब्वियसली इस बार मुझे अपनी बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे पास जो बॉलिंग लाइन है ये इंशाल्लाह इस बार जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस देगी। और लड़के थोड़े एक्सपीरियंस भी हो गए हैं, हसनैन को एक्सपीरियंस हो गया बिग बैच खेल के आया है, उसके अलावा नसीम शाह जो है वो अभी CPL में उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, उसके अलावा जेम्स फॉकनर का एक्सपीरियंस हमारे पास आया है, सुहेल तनवीर का एक्सपीरियंस जो है हमारे पास आया, तो ये ऐसे बॉलर हैं जो कि जैसे जो एक्सपीरियंस बॉलर है ये अपने जूनियर बॉलर को साथ लेकर चलेंगे, तो अपने एक्सपीरियंस से इनको बड़े काम जो है हमारी टीम के लिए काम आ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं बहुत पूरी उम्मीद हूँ कि इस बार हमारा बॉलिंग यूनिट जो है बहुत अच्छी कारकर्दगी पेश करेगा। अच्छा सरफराज भाई, आपका सवाल ये है कि लास्ट टू सीजन में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, हमने देखा क्वेटा ग्लैडिएटर्स पीएसएल की बहुत अच्छी टीम है और शुरू के सीजन में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देती आई है, तो लास्ट टू सीजन अच्छे नहीं रहे, तो इस बार कैसी हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेंगे और क्या ऐसा करने जा रहे हैं कि टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस हो? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि लास्ट टू सीजन में जो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो एज अ टीम जो है वो अच्छी नहीं रही है, और इस बार कोशिश करेंगे कि एक राइट कॉम्बिनेशन बनाए, टीम हमारी जो है वो अच्छी लग रही है ऑन पेपर, और अब सबसे इंपॉर्टेंट है और मेरी एज अ कैप्टन ख्वाहिश कि जो मेरे प्लेयर थे जो हमने पिक किए हैं 20 प्लेयर, वो हमारी जो है पहले मैच से पहले अगर हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे तो एज अ कैप्टन और एज अ टीम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, हमें किस कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो ग्राउंड में उतरना है। तो सबसे पहले तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मेरे जितने भी प्लेयर्स हैं वो जल्द से जल्द टीम को ज्वाइन कर लें और उसके बाद फिर हम एक राइट कॉम्बिनेशन बनाए, इस कॉम्बिनेशन को लेकर हम आगे तक लेकर जाएं टूर्नामेंट में। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई, आशिर वाहिदी फ्रॉम क्रिकेटहॉलिक पीके। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह से पिछली दफ़ा आपके पास पिछले सीजन में आरिश अली खान थे नवाज के बैकअप के तौर पर, पर इस सीजन में आपके पास अगर इन केस ऑफ नवाज अल्लाह ना करे कोई इंजरी हो या कोई कोविड का केस हो जाए या कुछ हो जाए, उस सीरत में आपके पास कोई भी लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। दूसरी बात आपसे पूछनी थी कि आपकी कप्तानी तो चल रही है, तब आपके साथ साथ आप किसी को अपने साथ कप्तानी में ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द क्वेटा ग्लैडिएटर्स प्लेटफॉर्म कि वो आगे चल के पाकिस्तान को लीड करे और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को लीड करे? देखें जहां तक रही आशिर की बात, डेफिनेटली देखें आशिर जो है पिछले साल हमारे पास इमर्जिंग पिक में खेला था, तो इस साल जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, तो इस बार जो हमारे पास जो है वो अशर कुरैशी हैं जो कि राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और बैटिंग भी करते हैं और बड़े ज़बरदस्त जो है वो प्लेयर हैं, तो अगर अल्लाह ना करे हमें कोई अल्लाह ना करे कि नवाज को कोई ऐसा प्रॉब्लम हो कि वो टीम से बाहर बैठे, तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। और जहाँ तक रही बात ग्रूमिंग की, तो देखें डेफिनेटली हमारे पास जो है मोहम्मद नवाज जो है वो मेरे साथ खेलते रहे और काफ़ी टाइम से मेरे साथ खेल रहे हैं, तो वो एक ऐसा ऑप्शन है कि अल्लाह ना करे हमारे पास वो ना हो, तो नवाज हैं, उसके अलावा शाहिद भाई हैं, तो ये ऑप्शन मौजूद है।